Thank mm -hmm. you. नमस्कार साथियों मैं हूं अनुराग मिश्रा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको कहते हैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी का ये जो पीडियो नंबर है उसको कहते हैं थर्टी है फाइव यानी चैप्टर नंबर थर्टी फाइव है और शुरू करने से पहले हमेशा वाली बात मैं आपको एक बार फिर से रिविजन कराऊंगा कि यदि आप इस वीडियो का और जो इतनी देर में आप वीडियो देख रहे हैं उसका अगर 100% परसेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका 100% परसेंट लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा इस वीडियो के लिए एक नोटबुक तैयार करना होगा हर टॉपिक को आपको नोट करना पड़ेगा तब आपको हंड्रेड लाभ मिल पाएगा और आप लाभ काफ़ी समय तक उसको याद भी रख सकेंगे बता दूं कि इसमें मैंने 100 परसेंट कोशिश की है कि आपको ना तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़े और ना ही किसी ग्रंथ की और पूरी कोशिश की है एकदम लेटेस्ट डेटा डालने की तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा तो चलिए फिर मैं आपको हल्का सा इसमें बता दूँ छोटा सा टॉपिक है और इसको क्लियर करेंगे इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है औद्योगिक श्रम यानी कि इंडस्ट्रियल लेबर और राष्ट्रीय श्रम आयोग के बारे में तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इतना ही इसमें टॉपिक होगा चलिए देखते हैं चलिए साथियों बात करते हैं औद्योगिक श्रम के बारे में यानी कि औद्योगिक श्रम या इंडस्ट्रियल लेबर क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं किस तरह से ये भारत देश के लिए महत्वपूर्ण है और इसका क्या महत्व है आज भी और इससे पहले क्या था ठीक है यानी कि है जब हम भारत देश आजाद नहीं होता उसके बारे में भी दो पॉइंट समझेंगे ठीक है तो औद्योगिक श्रम समझते हैं भारत देश के आज़ाद होने के बाद भारतीय मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पास किया गया था उन्नीस में क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत देश में रहकर और भारतीयों का शोषण किया और उसी तरह से क्या था कि जो पूंजीपति लोग थे यानी कि पैसे वाले जो पूंजी का मतलब कि पूंजी का पति यानी कि पूंजी मतलब पैसा जिसके बाद पैसा बहुत सारा होता है जैसे लखपति होता है लाखों रुपये जिसके बाद होता है लखपति लाखों का पति करोड़पति जिसके बाद करोड़ों पैसे वैसे पूंजीपति जैसे हम कह सकते हैं जिसके बाद पैसा हो ठीक है तो पैसे वाले क्या करते हैं ये रियलिटी होती है सच्चाई है जब आप कभी काम करने जाएं कहीं पर भी मान लीजिए आप मजदूरी करने जाते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं क्योंकि मुझे पता है मैं एक बार जब पढ़ने जाता था तो ट्री का ज़माना था तो खेलने के लिए मना किया घर वालों ने उन जब नहीं माना तो उन लोगों ने कुटाई कर दी जब कोटाई कर दी तो दिल्ली भाग गया था जा तो मैं मुंबई रहा था हीरो बनने के लिए क्योंकि मूवी में दिखाते हैं हीरो बन जाते हैं तो जा तो मैं मूवी में वो मूवी के हीरो बनने जा रहा था लेकिन पता चला कि यार मुंबई बहुत दूर है तो रास्ते में दिल्ली में ही उतर गया क्योंकि वहाँ तक का ही किराया था क्योंकि दिल्ली तक ही फ्री जा सका था ट्रेन में चुपचाप कर गया था मुंबई तक तो पता लगा कि लोगों ने बताया कि पकड़ सकते हैं ठीक है ठेके? तो क्या हुआ जब वहाँ पहुँचा तो मुझे एक फैक्ट्री वाला ले गया था तो वहाँ पर काम वाम करवाया फिर एक चाय वाला पकड़ ले गया फिर वहाँ काम चाय वाले ने करवाया फिर आप लोगों को दिल्ली के वहाँ लोग पता हो तो आपको पता होना चाहिए वहाँ लड़कों की पप्पी कर देते हैं लोग आप मतलब लड़के लड़के की पप्पी कर देते हैं वहाँ लड़के थोड़े से सुंदर क्या हों तो वो उनका समझ रहे हैं ना बात को ये हो सकता है तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये चीज मैंने देखी हुई है कि जब कोई पैसे वाला होता है तो वो क्या होता है जो मजदूर होता है उसका शोषण करता है ये रियलिटी है सच्चाई इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए ये नहीं कि भाई साहब हम तेल मालिश करते हैं कोई मजदूर हमारे घर पे आता है तो हम पहले उसकी मसाज करते हैं और सेवा करते हैं उसके बाद काम करवाते हैं हर कोई शोषण करता है उसका ये रियलिटी है कुछ हद हाँ तक नहीं कुछ लोग करते हैं कुछ लोग आज भी भले होते हैं चलिए समझते हैं तो भारत देश के आजाद होने के बाद भारतीय मजदूरों को क्या किया गया पूंजीपतियों को शोषण से बचाने के लिए क्या किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इसमें कई सारे प्रावधान थे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ठीक है उन्नीस में पास कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत केंद्रीय या फिर राज्य सरकारें क्या थी मजदूरों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी क्या कर दे एक न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे और छुट्टी का समय क्या है निर्धारित कर दे यानी कि मान लीजिए मैं मजदूर हूँ और मैं मजदूर हूँ तो मैंने बताया आपको मैं दिल्ली भाग गया तो वहाँ पर क्या था मेरा न तो काम का घंटा तेरा सुबह चार बजे जगा देते थे चाय वाला जो था चाय मुझे बांटने नहीं पड़ती थी बहुत छोटी की बात है मैं सिक्स सेवन्थ में पढ़ता था फिर मैं आ गया था तीन महीने उसने चाय वाला काम करवाया मुझसे दिल्ली की आज जो मुझे कहाँ की उसके साथ मैंने क्या किया था वो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि उसको मैंने वो बात की बात है तो हुआ क्या कि सुबह सुबह चारजे बजे जगा देता था तीन बजे चार बजे और करीब करीब बारह एक दो बजे तक वो चाय बटवाते थे तो वहां पे क्या था कोई काम का समय नहीं था क्योंकि मैं एक बाल मजदूर भी हो सकता हूँ मजदूर भी था ठीक है छुट्टी का कोई समय निर्धारित नहीं था कहाँ पर कितने बजे छुट्टी होगी जब काम का घंटे ही नहीं है तो कभी भी ठीक है इसके बाद न्यूनतम कोई मजदूरी नहीं थी कि भैया क्या था खाने पीने के लिए दस रुपये देता था रोटी खाने के लिए और दस रुपये इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में होता जैसे कोई मजदूर आ गया तो अगर सरकार कोई नियम न माना तो भाई साहब ऐसा है क्योंकि भैया मजदूर होता है मजदूर का मतलब मजबूर मजदूर का मतलब मजबूर तो वो जब काम करने जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई और काम नहीं तो मजदूरी करने जाता है जब मजदूरी करने जाता है तो कोई नियम कायदा नहीं तो हम क्या करेंगे भाई साहब कितना लोगे भाई साहब तीन दिन से तो काम नहीं है अगर आज काम मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती है बड़ी मेहरबानी होगी ठीक है कितना लोगे आप बताओ भाई साहब हम क्या जानने अब मार्केट में जो अभी इस समय मजदूरी चल रही है वो तीन सौ साढ़े तीन सौ है आप अगर देना चाहें तो ठीक है सौ रुपये में करोगे कि भाई साहब सौ रुपये में कैसी बात बन जाएगी अच्छा तो कितने में करोगे एक सौ बीस लोगे कि नहीं भाई साहब एक सौ बीस पर भी बात नहीं बन पाएगी हम कह रहे हैं ना साढ़े तीन सौ चल रहे आप कुछ देना चाहें तीन सौ दे देना ठीक है ऐसा है हम तुमको देंगे रुपया दो सौ तो को काम करना होगा सुबह दस बजे से लेकर शाम को आठ नौ बजे तक अरे भाई साहब क्या क्या बात कर रहे हैं मैं बहुत दूर जाना है यहाँ पर क्या समझ रहे हैं मैं तो यानी कि सरकार ने इस तरह के शोषण से बचाने के लिए आपका क्या कर दिया एक न्यूनतम मजदूरी कर दी यानी कि आप अधिक मांग सकते हैं अगर वो देने को इच्छुक है मजदूर हैं तो आप अधिक मांग सकते हैं भाई साहब मजदूरी जो चल रही है तो वो चार सौ रुपये है अगर आप चाहें तो मैं तो रुपया लूँगा आपसे साढ़े चार सौ क्योंकि भाई साहब आपका मन है तो करवाना क्योंकि मजदूर आजकल शेयर में आए नहीं है तो क्या है न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं दे सकता चार सौ रुपए से वो कम नहीं दे सकता बढ़ाना चाहे दसवीस रुपये चाय पिला सकता है दसवीस कुछ समोसे खाने के लिए दे सकता है ये कर सकता है लेकिन क्या है न्यूनतम मजदूरी वह है क्या है उससे कम वह नहीं दे सकता काम के घंटे क्या है कि भाई साहब आपका जो है आठ और नौ बजे आ रहे हैं हम यहाँ पर नौ बजे हम आ जाएंगे नौ दस बजे काम शुरू कर देंगे और करें लगभग लगभग आठ घंटे काम करेंगे हम आपका पांच और छह के बीच में हम आपका काम जो है बंद कर देंगे क्योंकि ये किसने तय कर दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए क्या करते किया गया है राज्य केंद्र और सरकार, राज्य सरकारों के मजदूरों के लिए क्या कर दिया गया है निर्धारित कर दिया गया है समझ रहे हो बात का इसके बाद छुट्टी का समय निर्धारित कर दिया गया है समझ रहे हैं ना एक छुट्टी का समय जैसे खाने-खाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अगर आप संगठित क्षेत्र के जैसे आप सरकारी न... काम करते हैं यानी कि सरकार के आप एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं तो वहां तो सरकार के हिसाब से नियम कायदे बने हुए हैं वो उस तरह से क्या करने होते हैं फॉलो करने होते हैं समझ में तो इसके मैंने क्या बताया अभी इस आ, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय या फिर राज्य सरकारें मजदूर के लिए एक न्यूनतम मजदूरी कानून के घंटे का, काम के घंटे और छुट्टी का समय क्या करती है निर्धारित करें ये नियम बनाए हैं औद्योगिक श्रम जो है संवर्ती सूची का विषय है और संविधान के अनुच्छेद दो के तहत संसद और राज्य विधान मंडल औद्योगिक विवाद सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर क्या है कानून बना सकता मैं फिर से का है अगर केंद्र ने कानून बना दिया है और राज्य भी कानून बना सकती है तो किसका माना जाएगा केंद्र का माना जाएगा आपको पता है समझ में आ गया ना तो ऐसी मतलब ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है उनको हम संवरती सूची कहते हैं समझ में आ गया, तो संविधान के अनुच्छेद 346 के तहत यह मुद्दा दिया गया है और अनुच्छेद 246 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल औद्योगिक विवाद भैया औद्योगिक विभाग विवाद क्या होता है औद्योगिक विवाद जैसे कि मान लीजिए मजदूर है उनका क्या है कोई परेशानी आ रही है मजदूरों के आपस में आ, सही उनको पैसा नहीं मिल रहा है उनके लिए कुछ खास सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं समझ रहे हैं सामाजिक सुरक्षा जैसे कि उन्हें मान लीजिए अभी मान लीजिए सामाजिक सुरक्षा मतलब होता है एक आपको सुरक्षा देना जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे हाथ पैर कट जाए मजदूरी मतलब काम करते करते किसी मशीन में, में मेरे हाथ पैर चले जाए और दोनों हाथ मेरे चले जाएँ और पैर भी चले जाए अब मेरा परिवार कैसे खाएगा यानी कि उन वो जो मेरा एक समाज है मतलब समाज में अगर आप खाते पीते नहीं हैं आपके परिवार अच्छा नहीं है तो क्या होगा आपके आपके दोनों हाथ कहेंगे तो समाज में आपको इज्जत नहीं मिलेगी तो आपको सामाजिक सुरक्षा दी कैसे जाए? तो आपको क्या करेगी जो औद्योगिक विवाद दो लाख रुपया के हाथ पैर कटे उसको क्या होना चाहिए उसको दो या चार या पढ़े लिख सके उससे क्या रहे उनके बच्चों को क्या मिल सके सामाजिक सुरक्षा मिल सके उनका पढ़ाई का खर्च थोड़ा बहुत उठाया जा सके थोड़ा सा उनका डॉक्टरी उठाया जा सके उनके खाने पीने की सुविधा की जा सके

24 दिसंबर 1966 में किया गया था इसके बाद श्रम या कहें मजदूरी क्योंकि भैया श्रम क्या होता है मजदूरी हम उसको कहते हैं श्रम ये मैंने क्या बताया जब आपका राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था 24 नवंबर दिसंबर 1966 में किया गया था इसके बाद श्रम या मजदूरी से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे मैं फिर से बोल दूँ श्रम या मजदूरी से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को अध्ययन करने के बाद उन्नीस में इस रिपोर्ट को पेश किया गया मैं फिर से बोल दू मैंने क्या बताया था 24 दिसंबर उन्नीस में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय श्रम आयोग और राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजदूरी या कहीं श्रम से जुड़ी हुई क्या थी समस्याएं थीं जो भी कठिनाइयां थी उनके बारे में क्या किया अध्ययन किया और उससे अध्ययन करने के बाद उसमें जो खामियां थी उसमें जो परेशानियां थीं उनमें जो कमियां थीं

अपनी रिपोर्ट दूसरे श्रम आयोग ने कर दी थी इस इस रिपोर्ट रिपोर्ट में में क्या था इस रिपोर्ट में श्रम निय, नियम बड़े स्तर का क्या दिया? सुझाव दिया, आए? बड़े क्यों क्योंकि तो बहुत सारी खामियां थी उनको हमें दूर करना था जिससे क्या था मजदूर का क्या हो सके मजदूर का भैया मजदूर ही शोषण नहीं करता कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है मजदूर संघ क्या करते हैं मजदूर संघ होते हैं औद्योगिक के जो उद्योगपति होते हैं या कहीं पूंजीपति होते हैं उनका भी शोषण कर देते हैं कभी कभी क्या होता है मान लीजिए किसी क्षेत्र में किसी फैक्ट्री में या किसी भी उद्योग में कोई एक ही जात का या फिर एक ही जात के मान लीजिए सारे मजदूर हैं तो वो क्या करते हैं गुटबाजी कर लेते हैं गुटबाजी कर लेते हैं क्यों क्योंकि भैया कहते हैं अरे भाई साहब हमारी नहीं सुनोगे यार अपनी जात वाली की नहीं सुनोगे यार तो किसकी सुनोगे भाई साहब यार हम जैसे जात वाले लोगों का बहुत शोषण होता है यार ये बात वो बात तमाम चीजें तो आप क्या चाहते हैं आप जात वाले हम आपका सुनते हैं क्या चाहते हैं आप अरे भैया वो वो भाई साहब मालिक है जो वो हमको पैसा नहीं दे रहे हैं अच्छा कितना बढ़वाना चाहते हैं भैया यार हमारी लड़की की शादी है और वो मालिक अटकाए हुए हैं थोड़ा सा रुपया मिल जाता तो समझ रहे बात को तो क्या है क्या है हम उनको दबाव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे ठीक है आपको पैसा चाहिए एक्स्ट्रा चाहिए दस बीस हजार रुपए चाहिए एक्स्ट्रा हाँ चाहिए तो, तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई साहब अभी तो थोड़ा घाटे घाटे-घाटे में चल रही है और तो थोड़ी सी परेशानियां वो मालिक देने को मना कर रहा है और ये बात सच्चाई है कि मालिक के पास अभी नहीं है वो सोच रहा है कि थोड़े बात थोड़ा सा सब्र करें हम दे, दे देंगे लेकिन वो क्या कर रहे हैं दबाव बना रहे हैं जबरदस्ती तो वो क्या कर रहा है मरता क्या करना करता वाली कहानी वो आप पैसा नहीं दोगे तो वो क्या करेगा काम रोक देगा उससे क्या रहेगा उद्योग जो है या कहीं जो भी धंधा है वो क्या हो जाएगा मंदा हो जाएगा या फिर रुक जाएगा तो इससे क्या होगा उस फैक्ट्री मालिक का या कहें उस उद्योग के मालिक का क्या हो जाएगा नुकसान हो गया हो जाएगा इससे क्या हुआ उस बिचारे का शोषण हुआ तो ऐसे होता है कभी कभी दोनों का शोषण होता है इधर तो मजदूर कभी कर सकता है और इधर क्या होता है उद्योगपति भी कर सकता है तो ये गुटबाजी जब हो जाती है कभी कभी हो जाती है समझ में आ गया ना तो क्या था मैंने फिर से बोल दू दूसरी जो राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो रिपोर्ट थी 2002 में क्या कर दी गई थी पेश कर दी गई थी और इसमें क्या था श्रम या कहें मजदूरी से जुड़े हुए नियमों में क्या था बहुत बड़े स्तर पर क्या करना था सुधार करना था ये सुझाव जो थे संगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के लिए भी दिए गए थे भैया संगठित क्षेत्र क्या होता है संगठित क्षेत्र में आपको बताया था जब से मैंने पहली पहला पार्ट पढ़ाया था इकोनॉमी का तब मैंने बताया था कि संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है काम के घंटे काम सब एतन छुट्टी इस तरह के कुछ उसमें नियम होते हैं यानी कि ऐसे कह सकते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं वो खास तौर पे संगठित तो मजदूर या संगठित क्षेत्र के मजदूर कहलाते हैं क्योंकि उनका सरकार के अंडर में वो कार्य करते हैं तो क्या था उनके लिए तो बनाए गए थे नियम साथ ही असंगठित क्षेत्र के लिए भी ये नियम कायदे बनाए गए थे भैया असंगठित क्षेत्र का कौन सा होता है मान लीजिए कोई मजदूर है ठीक है कोई समोसा बेचने वाला है कोई पकौड़ी बेचने वाला है कोई ठेला लगाने वाला है कोई सब्जी बेचने वाला है। ये क्या हो गया असंगठित क्षेत्र में भैया इनने क्या है संगठन नहीं बना रखा है भैया एक फुटकर फटकर क्या करते हैं बेचते बात हैं आपके दस बीस लोग इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे करके इनका कोई बड़ा संगठन नहीं होता क्योंकि इनके कोई क्या होगा इनका कोई न... निश्चित आमदनी नहीं होती है इनका कोई निश्चित क्या नहीं रहता है काम का समय नहीं होता है इनका कोई निश्चित क्या होता है इन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है इनका कोई निश्चित वेतन नहीं होता भैया कैसे निश्चित नहीं होता भैया कोई समोसे वाला है भैया घर से निकला आज देखा कि यार पानी का बरसात हो गया समोसे बना के रख लिए तो उसने अच्छा खासा पानी वो पानी बरसने लगा भैया ग्राहक वगैरह आए नहीं तो ये बेचारे के क्या थे समोसे यार बिक नहीं पाए जब समोसे बेचारे के बिक नहीं पाए तो वो थोड़ा सा लेट जागा उस दिन क्या हुआ लेट भी जा मतलब थोड़ा सा लेट तक रुका रहा उसके बाद भी शाम तक भी उसके

तो वो दूसरे दिन भी तो उससे क्या हुआ उसका बेचारे का नुकसान हुआ मान लीजिए उसने तीन चार सौ रुपये लगाए थे तो उस दिन का पूरा था उसका सैलरी तो गया उसने जो भी बेचना था वो तो गया ही साथ में उसका माल का पैसा चला गया और जो वो कमा सकता था वो भी चला गया तो ये क्या हुआ ये उसका कोई बेचारे का निश्चित नहीं था अब भाई आ, आपको यहाँ पे क्या समझ में आया समोसे वाले का क्या निश्चित नहीं हो एक तो उसकी आमदनी निश्चित नहीं हुई दूसरी चीज काम का घंटा वैसे क्या था वो सुबह आता था और शाम को चला जाता था लेकिन क्या हुआ कि उस दिन पानी बस गया तो बेचारे का क्या हुआ वो पूरा करीब चार से पाँच घंटे एक्स्ट्रा रुका तो भैया जो वो एक्स्ट्रा रहेगा क्या उसको पैसा एक्स्ट्रा मिला जबकि सरकारी काम अगर करता है या फिर सरकारी कर्मचारी है या फिर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो क्या करता है अगर एक घंटे के अलावा मतलब मान लीजिए उसका पाँच बजे छुट्टी होता है पाँच बजे के बाद अगर वो एक्स्ट्रा रुकता है तो वो लिखता है कि भाई साहब हमने ओवर टाइम किया तो उसका क्या हुआ पैसा मिला समझ रहे बात को चलिए कोई बात नहीं आज मैं समोसे बनाने के लिए निकला है मान लीजिए मैं अंडर बेचता हूँ गली में अंडर बियर ले लो ऐसे करके बेचता हूँ साइकिल पे ले जाके बेचता हूँ ठीक है तो गरीब आदमी में भैया साइकिल के लिए निकला निकलाऊँ और बीबी ने कही ऐसा है भाई आ, आ, हमारे कल भैया आ रहे हैं यानी कि हमारे साले साहब आ रहे हैं मतलब मेरे साले साहब आ रहे हैं और उसके लिए हमको पूड़ी उड़ी बना के खिलाना है और उसने कही थी कि आज जीजा जी से ये कह देना कि भाई साहब ऐसा है इस बार रसगुल्ले खाएँगे तो ठीक है पत्नी ने कहा तो हमने सर झुका के उनको प्रणाम किया और हमने कहा ठीक है आप कहती हैं साले साहब के लिए रसगुल्ले लेके आने सफ़ेद वाले ठीक है ऐसा है अभी पैसे तो नहीं है लेकिन मैं आज काम करने जाऊंगा थोड़ा सा लेट तक काम करूंगा और जो पैसा कमाऊंगा तो क्या रहेगा मैं आपको ले आऊंगा लेकिन जैसे ही मैं लेके गया भैया साइकिल से जाता हूं जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा पहुंचा वैसे क्या हुआ आंधी आ गई आंधी आ गई मेरा तीन चार उसमें से अंडरवियर उड़ गए ठीक है कोई बात नहीं हमने उनको दबा के दबो के क्या कर लिया हमने उसको सही से छुपा लिया तो फिर क्या हुआ आराम को पानी बरसने लगा तो इसमें क्या समझ में आया अब बीबी ने हमारी फरमाइश की कि आज हमको रसगुल्ले खाने हैं लेकिन क्या हुआ अब हमको पता चला कि एक तो अंडरवियर उड़ गया करीब पचास पचास रुपये का वो नुकसान हो गया और ऊपर से आज पानी बरसने लगा तो हम बेच के

तो जैसे बरसात होने लगी तो साइकिल थी बहुत तेज चला रहा था मैं साइकिल चला रही सामने से ट्रक आया सामने से जब ट्रक आया तो उसने मुझे मुझको टक्कर मार दी टक्कर मार दी तो जैसी टक्कर मारी वैसे मुझको चक्कर आके मैं नीचे गिर गया और थोड़ी बहुत देर और मेरी इस दुनिया से रुखसत हो गया मैंने इस दुनिया से चला गया मैं मर गया और ख़त्म हो गया अब खत्म हो गया तो मेरी बीवी थी और वहाँ पर पहुँची अरे शाम को बोला था कि हमारे लस को ले लाएंगे लेकिन ये तो दुनिया से चले गए अब मेरी बीवी को कौन पालेगा अब ये बात अलग है कि वो दूसरी शादी करना चाहती है वो चीज़ अलग है लेकिन बच्चे दो हैं तो उनका क्या है उनका बेचारों का भविष्य खराब हो गया उनकी कोई देख करने वाला नहीं है क्योंकि बीवी बेचारी अब कहाँ वो भी दुकान पर जाएगी काम करने तो ये क्या हुआ उसको कोई बेचारी को सामाजिक सुरक्षा नहीं क्योंकि आने वाले समय में उनके लिए क्या होगी आने वाला समय जो है उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा तो उनके लिए क्या नहीं है कोई भी वो नहीं है तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहा जा गया है समझ में आ गया तो क्या हो गया चलिए तो मैंने क्या बताया ये सुझाव जो थे संगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के लिए भी थे, क्या, क्या, थे अंकुश लगाया जाए साथ ही जाति आधारित श्रम संघों को, को कोई सुविधा का अधिकार देने से क्या कर दिया जाए साफ मनाही कर दिया जाए भैया इसको मैं अगर बिल्कुल साधारण भाषा में समझू मैंने बताया कि श्रम संघ के आंदोलन को अधिक रचनात्मक तथा उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए श्रम संघों की बहुलता पर क्या लगाया जाए अंकुश लगाया जाए अब भैया क्या है श्रम संघों की बहुलता पर रोक कैसे लगाई जाए मान लीजिए एक शहर है पंडित जी वाला श्रम संघ अलग बने यानी मजदूरों का संघ अलग बना दिया ठाकुर साहब वाला अलग बन गया यादव जी वाला अलग बन गया हमारी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानने वालों की ने अलग बना लिया वो सबसे भारत देश के मूल निवासी हैं वो लोग तो उन लोगों ने अलग बना लिया बुद्धम सड़म गच्छामी ऐसे कुछ बोलते हैं तो उन लोगों ने अलग बना लिया ये क्या हुआ जात आधारित आधारित बना लिया उन लोगों ने कहा भाई साहब हम लोगों को बहुत सताया गया तो हम तो अलग बनाएंगे पंडित जी कह रहे हैं हम लोगों ने किसी को कुछ नहीं सताया है ये क्या है तो क्या था साफ मना कर दिया भाई साहब ये जात आधारित जो है ये संगठन जो है नहीं बनेंगे और संगठन की जो संख्या है वो कम की जाए क्योंकि भैया क्या है सबकी मांगे अलग अलग होंगी तो सबकी मांगे कहाँ से हम पूरी कर पाएंगे बोल वाला कहता है पंडित जी कहते हैं भाई साहब हम ऊंची जात के हम छोटे मोटे काम नहीं करेंगे या फिर हमारे लोगों को पैसा ज्यादा मिलना चाहिए इस तरह की चीजें तो क्या है यहां पर बात कर रहे हैं कि श्रम संगठन क्या बताया श्रम संघ के आंदोलन को क्या बताया अधिक रचनात्मक बनाना रचनात्मक और क्या बनाना है उद्देश्यपूर्ण बनाना है यानी कि अगर सारे मजदूर हैं तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए एक होना चाहिए कि उनका शोषण न हो उन्हें जितनी मजदूरी चाहिए वो मिलती रहे रहे उन्हें सही पे काम मिलता उनको उनको समय पर छोड़ दिया जाए उनको क्या होना चाहिए उनमें अगर कभी कोई परेशानी आती है तो उनको इलाज वगैरह के लिए पैसा मिले उनको टाइम पर बोनस मिले इस तरह की चीजें लेकिन यहां पर क्या है? जाते आधारित संगठन बन जाएंगे तो क्या होगा हमको वो जो हमारा जो उद्देश्य है हम उद्देश्य क्या रहेंगे भटक जाएंगे जैसे कि आप मान लीजिए आज से जब मोदी जी की सरकार नहीं थी उस समय क्या था हराम कौर इतना पात फैला हुआ था भारत देश की बात करूं उत्तर प्रदेश नामक जिले में कहता हूं यहां पर तो यादवों की एक पार्टी बोलते हैं जिसको समाजवादी पार्टी के नाम से बोलते हैं हमारे जो उत्तर प्रदेश के यादव हैं उनके लिए ये भगवान थे मुलायम सिंह यादव मैंने उनके मुँह से सुना है ये अपनी तरफ से नहीं बोला उनके भगवान थे इतना जातवाद फैला हुआ था इतना जातवाद फैला हुआ था कि अगर भारत देश में नरक है कहीं तो उत्तर प्रदेश में ही था जब जब ये दो तीन स्तर की पार्टी आती थी जो सिर्फ जातवाद फैलाती थी तो इतना गंदगी फैल जाता है जातवाद से कि बता नहीं सकता मैं, मैं मान लो पंडित हूँ लोग कहेंगे कि तुम पंडित हो और ये ऊंची वाली हो और तुम क्या जानो ये चीजें तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये मेरे घर वालों ने मुझे कभी सिखाई नहीं और मैंने कभी सीख पाई नहीं क्योंकि मेरे अगर बात की जाए तो मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी जाना नहीं तो ये जो पात हो ये बहुत खतरनाक होती है और खासकर कब जब किसी एक को ही टारगेट किया जाए तो उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा होता है तो इससे क्या है हम अपने असली उद्देश्य से आ फिर हमारा जो कार्य है वो क्या नहीं हो पाएगा रचनात्मक नहीं हो पाएगा क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा असली जो मुद्दा है उससे हम क्या रहेंगे भटक जाएंगे तो समझ में आ गया कि हमको क्या नहीं करना है जाति आधारित क्या है संगठनों को क्या कर दिया जाए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाए और किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया जाए उनको तुरंत ही तुरंत क्या कर दिया जाए समाप्त कर दिया जाए दूसरा कौन सा बताया इसमें श्रम संघों की जो बहुलता है या क्या अधिकता है या अनेकता है उसको क्या किया जाए कम किया जाए जिससे क्या था आपका जो जो मजदूरों के जो आंदोलन है उनमें क्या हो आंदोलन मान लीजिए हम आंदोलन कर रहे हैं मान लीजिए कर रहे हैं आप जाए आपको सताया गया आप आंदोलन कर सकते हैं बिल्कुल खुली छूट है क्योंकि सरकार कहती है आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं लेकिन ध्यान रहे लड़ाई जो है वो भ्रष्ट तरीके से नहीं होनी चाहिए उसका तरीका कैसा होना चाहिए आपका जो लाभ हो वो कैसा हो रचनात्मक हो और उद्देश्य कैसा हो उद्देश्य भी कैसा हो एकदम मजबूत और टनाटन होना चाहिए एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए जो कि सबका सामान्य रूप से तो ये नहीं कि किसी एक जाति पर कहें या किसी एक संगठन को लेकर कहें बल्कि क्या है सारे मजदूरों को लेकर हम क्या करेंगे सबका साथ सबका विकास की बात यहां पर करेंगे समझ में आ गया तो आंदोलनों को धीरे काम करो नियमानुसार क्या माना जाए कदाचार माना जाए जो कि इस रिपोर्ट में क्या दिया गया था सुझाव दिया था यानी कि आंदोलन मान लीजिए काम आंदोलन है आंदोलन चल रहे हैं चल रहे हैं मान लीजिए और आंदोलन का क्या कर रहे हैं मान लीजिए मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ और काम करते करते आराम से ईयरफोन कान में लगा लिया और ध्यान नहीं दे रहा हूँ और जो काम हो रहा है ना वो हम वहाँ पर देखा पबजी खेल रहे हैं काम के टाइम पे तो जैसे मालिक आया वैसे एकदम पबजी उधर रखा और एकदम रख के फिर से काम करने लगे एकदम हाँ इसी करके ढिल्लम ढिल्ला एकदम जो आधे घंटे का काम है उसको तीन घंटे लगा रहे हैं इसी करके लोट पोट के ए तो ए दो मिनट काम किया कि हमको टॉयलेट लगाया पबजी के बहाने से ए पबजी का हमारा राउंड गोली मारे दे रहा पिछवाड़े में हारे कोई हम उधर छुप के गए और देखा हम लेट में जाके पबजी पे धार 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 गोलियां चला रहे कोई बात नहीं ये क्या है इसको क्या माना जाए कदाचार माना जाए यानी कि ये क्या है इसके अनुसार क्या है आपको दंडित किया जा सकता है क्योंकि भाई साहब आप किसी फैक्ट्री में सैलरी लेते हैं तब किस लिए लेते हैं कि भैया आपको काम करना है तो आप जब धीरे कार्य करेंगे जैसे हम धीरे कार्य कर रहे हैं आपसे मालिक आया भाई साहब ये तरीका नहीं चलेगा ये तरीका नहीं चलेगा आप ये काम के टाइम पे पबजी खेल रहे हैं और ये सब नहीं चलेगा आप बाद बाद दो दो मिनट पे आप टॉयलेट करने जाते हैं दो दो मिनट पे आपको बीड़ी पीने जाना होता है बहाना बना बना के आप बीड़ी पीने जाते हैं कभी आप गुटखा रजनी खाकर हमारे किनारे थूक देते हैं जैसे ही हमने उसको कहा वैसे बोला अरे भाई साहब हम पे अत्याचार हो रहा है हमारे साथ ये क्या बदतमीजी हो रही है आप जब देखो तब हमको डांटते रहते हैं हम अभी जाते हैं और मजदूर नेता को फोन लगाते हैं उनसे कहते हैं भाई साहब हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है हम गरीब आदमी हैं और हम थोड़ी थोड़ी नीचे जाते हैं इसलिए हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है ये क्या हुआ खाम ही खाम का ड्रामेबाजी और क्या हुआ जैसे कि अभी जस्ट की बात करूँ एक पंडित जी थे शायद शायद जहाँ तक अंदाजा विधायक वगैरह थे तो वहाँ पे क्या था कि पंडित जी जो थे उनके घर पे एक आदमी आता था उसका मैं नाम नहीं लूँगा आप अपने आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे तो पंडित जी के यहाँ आदमी आता था पंडित जी के आदमी आया आया आपको मैंने सम्मान दिया आप निम्न जाति से आते हैं मान लीजिए आपको हमने सम्मान दिया पूरा भाई की तरह पाला पोसा और जितना कर सकते थे तो उतना किया लेकिन क्या था कि आप हमारी बिटिया के ऊपर नज़र बहुत दिनों से गड़ाए हैं आपने हमारी बिटिया को बहलाया फुसलाया और आप हमारी बिटिया को क्या हुआ ले गए अब यहाँ पर बात समझना आप हमारी बिटिया को ले गए आपने दुनिया का सबसे खतरनाक काम कर दिया हमने अपने बेटे की तरह आपको पाला पोसा सब खिलाया पिलाया अब बिटिया को हमारी ले गए और जैसी बिटिया को ले गए वैसी तो वीडियो डालते हम छोटी जात के इसलिए हमको मारने की धमकी दी जा रही तो ये क्या हुआ है ड्रामे जबरदस्ती की ये क्या है इसी तरह से यहाँ पर क्या है यहां पर धीरो धीरे जो काम करो आंदोलन आंदोलनों के धीरे काम करो नियमानुसार कार्य को क्या माना जाएगा कदाचार माना जाएगा यानी कि आप ये नहीं कि कोई जो जायज है तो उसको करना ही करना है आप आंदोलन कर रहे हैं करो लेकिन आंदोलन के तो बाद जब आपको घर पर काम करने के लिए बताया जाएगा ना तो आप उसको काम करेंगे अगर आप बदतमीजी करेंगे तो आपका क्या माना जाएगा उसको कदाचार माना जाएगा और उसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है और भी कई सारी इसमें थे उसकी हमें जरूरत नहीं है चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान के बारे में बात कर लेते हैं अगर आप इसमें श्रम आयोग के बारे में और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं विकीपीडिया पे या फिर किसी बुक में आप ले सकते हैं करंट अफेयर की बुक आज आती है उसमें देख सकते हैं वैसे इतना बता दिया आप अपने शब्दों में भी दो चार ऐड कर सकते हैं इतना आपको काफ़ी हो जाएगा क्योंकि मैं अगर इसी पे उताराऊँ ना तो ये वीडियो जो है करीब दो घंटे का बन सकता है लेकिन मैं वो करने वाला नहीं हूँ क्योंकि दो घंटे में पूरा जीएस कंप्लीट करना है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सकल घरेलू उत्पादों में वो उत्पाद में उद्योगों का योगदान यानी कि जो जीडीपी होता है उसमें उद्योगों का यानी कि इंडस्ट्री जो है उसका योगदान कितना रहता है नॉर्मली जो भी होता है मैं बता चुका हूं फिर भी जानकारी देता हूं आपको तो जीडीपी एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उद्योगपतियों द्वारा ठीक है ठीक है मैं फिर से बोल दूं मैंने बताया जीडीपी क्या होता है मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूं पहले पार्ट में ठीक है मैंने क्या बताया एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उद्योगपतियों में द्वारा चाहे वो फिर घर, चाहे वो निवासी हो चाहे वो गैर निवासी हो अब भैया ये क्या है मैं फिर से जीडीपी आपको हल्का सा जानकारी दे दूं कि जीडीपी क्या होता है किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर मान लीजिए ये भारत देश है भारत देश की ये है मान लीजिए पूरा तो भारत देश की ये आसपास का क्षेत्र है ये घरेलू सीमा नहीं बना जाएगा भारत देश जहां तक उसका बॉर्डर है तो उसको घरेलू सीमा बोलेंगे तो घरेलू सीमा के अंदर जो भी उद्योगपति हैं चाहे फिर वो देश के निवासी हो चाहे फिर वो किसी दूसरे दूसरे देश के निवासी हो उनके द्वारा किया गया उत्पाद क्या कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है समझ में आ गया तो समझ में आ गया इतना चले हैं कई बार मैंने बताया तो आपको क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया तो अनिवासी हो द्वारा किया गया उत्पाद क्या कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है तो भारत के जीडीपी में उद्योगों का योगदान जो है 2013-14 की बारे में बात करें पंद्रह सोलह के बारे में लिख सकते हैं लेकिन यहां पर जरूरत नहीं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं 2013 की अगर बात की जाए तो 26.1 परसेंट रहा था 2019-20 का आपको सर्च करके लिखना है क्योंकि अभी मैं यहां पर नहीं लिख पाया ठीक है चलिए आपको सर्च करना है इतना काम आप करेंगे और कोई महापुरुष अगर कमेंट करके बताना चाहता है तो बता सकता है नहीं तो मैं फिर डाल ही दूंगा तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा आप इससे लाभ लेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो जो है कैसा लगा और सपोर्ट करते रहें तो मुझे आप लोगों की ज़रूरत है मेरा जो चैनल था हैक हो गया तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आप शेयर करेंगे तो फिर से जो मेरे लोग जुड़े हुए थे मुझसे फिर से जुड़ जाएंगे और लाभ फिर से लेने लगेंगे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और अगर आपको पी डी एफ चाहिए तो नीचे लिंक में दे दूँगा कमेंट बॉक्स में या फिर जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें आपको पी डी एफ जो है मिल जाएगी तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद और वंदे मातरम